नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एस के जॉब अलर्ट में। इस चैनल पे आपको रोज़ाना गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट दी जाती है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं आज की ताज़ा अपडेट। दोस्तों जूनियर इंजीनियर की बहुत बड़ी मात्रा में वैकेंसी निकली हुई है, जिसमें आपकी टोटल पोस्ट रहेगी 1219, ठीक है जी। और इसमें आपके जूनियर इंजीनियर सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए वैकेंसी आई हुई है। तो इस वीडियो को दोस्तों हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ में देखेंगे। और जो मेरे भाई बहन इस चैनल पे पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि मेरी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो चलिए दोस्तों बिना समय वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ये आप देख सकते हो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया हुआ है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से 19 जून 2020 का है। ये लेटर नंबर दे सकते हो, संशोधित विज्ञप्ति दे रखी है आपके। और ये आपका कनिष्ठ अभियंता संयुक्त सीधी भर्ती 2020 के लिए, ठीक है जी। तो इन्होंने पीछे एडवर्टाइजमेंट निकाली थी, तो इसमें आप देख सकते हैं अंतिम तिथि आपकी थी 2 अप्रैल 2020। तो उन्होंने कोविड-19 के प्रकोप को देखते हुए डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। तो ये आप देख सकते हो अब आपकी लास्ट डेट, अब फॉर्म को फिर से स्टार्ट होने स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है जी। तो आप ये देखते हो ऑनलाइन अप्लाई करने की तारीख होगी अब 24 जून 2020 से, यानी कि आज से स्टार्ट हो जाएंगे। और आप ये देख सकते हो 8 जुलाई 2020 रात के 12 बजे तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, और आप फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, ठीक है जी। और इसमें देर का आप लास्ट डेट की इंतज़ार किए बिना फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और ये आप देख सकते हो ऑप्शन नोटिफिकेशन था डॉक्टर मुकुंद बी जहांगीर सचिव की तरफ से। अब चलते हैं रिक्रूटमेंट की तरफ, जिसमें कितनी वैकेंसी थी कैटेगरी वाइज पूरी डिटेल से देख लेंगे, ठीक है जी। आप दे सकते हो अगर आपने अभी तक फॉर्म को फिल नहीं किया है, अगर आपको इस एडवर्टाइजमेंट के बारे में पूरी डिटेल नहीं पता है, तो अब हम उसको अब डिटेल से चेक कर लेते हैं। ये दे सकते हो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर की तरफ से नोटिफिकेशन आया हुआ था पहले भर्ती के रिगार्डिंग। तो अब इसमें देख लेते हैं कितनी कितनी पोस्टें थी। तो इसमें आप देख लीजिए सार्वजनिक निर्माण विभाग, कनिष्ठ अभियंता सिविल, कनिष्ठ अभियंता सिविल, कनिष्ठ अभियंता विद्युत, कनिष्ठ अभियंता विद्युत डिप्लोमा धारक। तो ये देख सकते हो गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए इतनी वैकेंसी दी हुई है, अनुसूचित क्षेत्र के लिए कैटेगरी वाइज ये देख सकते हो इतनी इतनी वैकेंसी दी हुई है, ठीक है जी। इसमें आप डिटेल से चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं जल संसाधन विभाग, जिसमें देख लीजिए आप कनिष्ठ अभियंता गैर अनुसूचित क्षेत्र के 121 है, अनुसूचित क्षेत्र के 28 है, टोटल 149 है। कनिष्ठ अभियंता सिविल डिप्लोमा धारक की 280 है, इसमें अनुसूचित क्षेत्र की 27 हैं, टोटल 307 हैं। तो इस तरह से आप इसमें पूरी डिटेल चेक कर सकते हैं, ठीक है जी। भी कौन कौन से में डिपार्टमेंट में कितनी कितनी इसमें वैकेंसी दी हुई है। आपके जल स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग में अलग अलग वैकेंसी आई हुई है, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड में भी ये देख सकते हो आप इतनी इतनी वैकेंसी आई है, यानी कि आपके टोटल देख सकते हो आपकी 1054 ये पोस्ट हैं। पर अब उसमें बढ़ा के आप देख सकते हो टोटल पोस्ट इसमें 1219 हो चुकी है, ठीक है जी। पोस्ट को भी उन्होंने एक्सटेंड यानी कि बढ़ा दिया है। अब बात करते हैं इसमें परीक्षा शुल्क की, सॉरी पहले ये देख लेते हैं इसमें आवेदन, ये देख लीजिए रिक्त पदों की कमी वृद्धि संबंधी प्रावधानों के संबंध में राज्य सरकार ने नवीनतम नियमों के अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है। और ये आप देख सकते हो आपको मेरिट अभियंता के प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा, ठीक है जी। मेरिट बेस पर आपका सिलेक्शन इसमें किया जाएगा। परीक्षा शुल्क की बात करें तो ये देखिए सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, क्रीमी क्षेत्र के अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आपके 450 रुपये फीस रहेगी। और जो राजस्थान के नॉन क्रीमी और पिछड़ी वर्ग के हैं कैंडिडेट, उनके 350 रुपये फीस है। और जो समस्त विशेष योग्यता जो अदर कैटेगरी रहेगी, और जो राजस्थान के SC ST हैं कैंडिडेट्स हैं उनको 250 रुपये फीस है, ठीक है जी। और ये आप उसमें पूरी डिटेल दे सकते हैं। आयु की बात करें तो आपकी एज काउंट होगी 1 जनवरी 2021 से, और मिनिमम 18 साल है और मैक्सिमम आपकी 40 साल रहेगी। वेतनमान की बात करें तो आप ये दे सकते हो, इसमें आपका लेवल 10 रहेगा और आपको पर मंथ सैलरी दी जाएगी 33,800 रुपये। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इसमें आप दे सकते हो कनिष्ठ अभियंता सिविल के लिए आप दे सकते हो, इसमें जो आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपकी डिग्री मांगी गई है, ठीक है। सिविल अभियंता में आपकी डिग्री होनी चाहिए, और आपको राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान और हिंदी पढ़ना और लिखना आना चाहिए,
कनिष्क अभियंता सिविल डिप्लोमा धारी है, तो ये आप दे सकते हो। एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल से दी हुई है। वही कनिष्क अभियंता विद्युत के लिए आप दे सकते हो, इसमें डिग्री मांग रखी है। ठीक है जी, ये इसमें आप पूरी डिटेल से चेक कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि आपको इसकी पूरी जानकारी मिल सके। आवेदन की अवधि आप दे सकते हो, ये पुराना नोटिफिकेशन था तो अब आप दे सकते हो, इसकी डेट एक्सटेंड कर दी गई है। ठीक है जी, और ये इसमें आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके विज्ञापन चेक कर सकते हो, यहीं से आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। www.rsmssb.rajasthan.gov.in है। ठीक है जी, ऑफिशियल नोटिफिकेशन था तो इसे आप देख सकते हो, पूरी डिटेल दी हुई है। ठीक है जी, और एक बार फिर से देख लीजिए, आपकी फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करने के लास्ट डेट रहेगी है, आज से आपके फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है जी, और लास्ट डेट रहेगी आपकी 8 जुलाई 2020 को, आपकी इसमें लास्ट डेट रहेगी। तो दोस्तों बहुत अच्छा मौका है, जूनियर इंजीनियर सिविल इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए बड़ी मात्रा में वैकेंसी आई है, 1219। तो जिन मेरे कैंडिडेट्स ने अभी तक फॉर्म को फिल नहीं किया है वो फिल कर सकते हैं। अगर जिस कैंडिडेट्स के फॉर्म में कोई प्रॉब्लम आ गया, कोई गलत भरा गया, तो उसे आप अभी एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है जी, तो आशा करता हूँ दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में इसे ज़रूर शेयर करें, और जो मेरे भाई बहन इस चैनल पर पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे कि मेरी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक लेटेस्ट अपडेट्स के साथ में। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।